दोस्तों नमस्कार, मैं अवनीश यादव। जैसा कि आपको पता ही होगा इस समय कि 24 अक्टूबर को इलाहाबाद में एक महासभा का आयोजन किया जा रहा है और उस महासभा में अपने बीडीसी के समस्त छात्रों छात्राओं को आना है और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उसका महत्व इतना ज्यादा है कि मैं अब आपको ये बता दूं कि उस सभा में जितने भी छात्र संघ हैं, सारे संघों के लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ आ रहे हैं। अब रही बात कि उससे आपको क्या मिलेगा, इतना हम लोग प्रदर्शन किए, सारी चीजें हुई, आज तक हम लोग क्या कर पाए, एक वार्ता तक नहीं कर पाए। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, इतने लोग आपके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है ये। और मुझे उम्मीद है क्योंकि इलाहाबाद ही हमेशा क्रांति का स्थल होता है, कोई भी छात्रों की क्रांति जो लिखी जाती है इलाहाबाद से ही लिखी जाती है और वाकई वहां से हमें जो लगता है सफलता के चांसेस अधिक हैं, वहां से हमें उम्मीद है, उम्मीद बल्कि विश्वास पूरा है हम वहां से सफल होंगे। और इस समय एक पूरा देख रहा हूँ, डेली एक नया नया सिपा आता है, कोई फेसबुक पे डाल देता है, कोई व्हाट्सएप पे डालता है, कोई कहता 35-40 हो रहा है, तो कोई कहता 30-35 हो रहा है, कोई कहता शिक्षा मित्रों को सारी सीटें ऐसे ही दे दी जा रही है बिना कटाव की। अरे भैया तुम लोग कहाँ कहाँ से नहीं जुलाते हो यार, हम लोग यहाँ इतने दिन से लड़ रहे हैं, पता नहीं कुछ चल ही नहीं पाता है कि 30-35 हो रहा है कि 35-40 हो रहा है कि वैसे शिक्षा मित्र, ये हम लोग नहीं पता चल पाता, तुम लोग कहाँ से नहीं जाती है। और साला ऐसे ऐसे चूतियां हैं जिनके सबके मौसा में गाली देने का मन करता है, सबके मौसा जो है सचिवालय में बैठे पड़े हैं, सबके जीजा प्रभात कुमार बन के बैठे पड़े हैं कि हाँ प्रभात कुमार सबके जीजा सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता इन्फॉर्मेशन ला के हकते क्यों है, हद हो गई है, डेली का डेली आप लोगों के हरामपंथी की वजह से। मैं आपको एक आज मैं सच्चाई बताऊं, हमारी टीम से कोई सचिवालय नहीं जाता है। एक दिन मैं गया था सचिवालय तो आज भी उसका विवाद है, अनिल यादव अमेठी के हैं, आज भी विवादास्पद चीज उसको बना के ही रखे हैं कि मैं सचिवालय गया था 35-40 कराने और उसी दिन से मैंने भी कसम खा लिया कि सचिवालय नहीं जाना है, चाहे 30-35 हो चाहे 35-40 हो, मुझे इससे नहीं मतलब है, मैं दोनों जगह सुरक्षित हूँ। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं दोनों जगह सुरक्षित हूँ, 35-40 में भी 30-35 में भी। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि 30-35 हो, लेकिन आप हम पे 30-35 पे बिल्कुल विश्वास ना करिएगा, आप ये मान के लिए मैं 35-40 करवा रहा हूँ, आप अपनी लड़ाई 30-35 के लिए खुद पे खुद लड़िए, मैं नहीं 30-35, मैं आपको सही सच्चाई यही बता रहा हूँ कि आप अपने आप लड़िए 30-35 लड़ाई, आप चूड़िया पहनिए घर पे मत बैठिए, सीधी साधी बात है। आप अपने अधिकार नहीं लड़ सकते तो मैं क्यों आपके अधिकार लड़ू, सीधी बात। आप बाद में मुझ पर ब्लेम करोगे, सरकार तो इसे अपना जियो नहीं मान रही है, तो मैं आपको विश्वास कैसे दिला दूं 30-35 होगा, मैं नहीं विश्वास दिला सकता हूँ आपको। आप अपनी लड़ाई लड़िए, बाद में किसी को ब्लेम मत करिएगा, जो मुझसे हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। और रही बात, यही राजनीति चली चलाते रहिए, ठीक है, आप भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, और हमें दिक्कत तब नहीं होगी क्योंकि जब ये हम में सब नंगे तो मैं भी नंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे है। बस सौ की सीधी एक बात, आप अपनी लड़ाई के लिए निकलिए, नहीं तो ऐसे जिंदगी भर नौटंकी करते रहेंगे और बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता जाएंगे और हम भी बेरोजगार रह जाएंगे, आप भी बेरोजगार रह जाएंगे। बाकी की चीजें हमारे तूफान भाई बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं तूफान सिंह यादव आज अवनीश भाई के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ। जैसा कि हम लोगों की यह पहले ही रणनीति बन चुकी थी, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का घेराव करके हम लोगों ने ज्ञापन देने की कोशिश की थी इलाहाबाद में, सभी साथी एक साथ वहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, उसी समय यह रणनीति बन गई थी कि अब अगला पड़ाव हमारा बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ तक सभी छात्र संगठन हम छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आईसा, एनएसआईयू, एपीबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्य, समाजवादी छात्र सभा, आईएसएफए, सभी छात्र संगठन इस 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर संगठित है, अपने साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संगठन होता है, सारा छात्र संगठन 24 तारीख को इलाहाबाद में मिलेगा, आपकी इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई मानकर लड़ेगा। तो साथियों घर से निकलिए, अब समय आ गया है, इलाहाबाद 24 अक्टूबर को
एनी बेसेंट इंटर कॉलेज के पास आप लोग इकट्ठा होइए, हमारा वहीं पर मंच होगा। यह एक महापंचायत है, कोई धरना नहीं है। महापंचायत का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी वार्तालाप। पक्ष में हम सभी साथी होंगे जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और आज इस दर्द से पीड़ित हैं। बाकी विपक्ष का काम एलआईओ करेगा, हमारी उस संख्या के ऊपर डिपेंड होगा। इलाहाबाद से उप क्रांतिकारी लिखी जाएगी जो अपने मुकाम को पूरा करेगी। साथियों आप लोग ये समझ लीजिए, हमारी लड़ाई 24 अक्टूबर से उस मोड़ पे आ चुकी है जो अंतिम पड़ाव को जाएगी। वहीं से डिसीजन होगा कि आगे हमें क्या करना है और कौन सी रणनीति बनानी है। इसलिए सभी साथी घर से निकले, अपने एक एक पद के लिए खुद वो तैयार हो, इसके जिम्मेदारी ले, 24 अक्टूबर को हर हाल में इलाहाबाद पहुंचे। बस यही और आगे की जानकारी हमारे साथी आशुतोष जी बताएंगे। साथियों नमस्कार, जैसा कि अभी हमारे जो लीगल टीम के प्रोधा हैं, बादशाह हैं, जिनकी बदौलत आज लीगल टीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए बाध्य है और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33% की कटाफ अर्थात 21 मई का शासनादेश लागू करवाने के लिए तन मन धन से प्रतिबद्ध है। तन मन तो हम सभी लोग लगाए हुए हैं और जो धन की बात है वहां आप सभी लोगों का सहयोग है, ये लीगल टीम स्वीकार करती है। जैसा कि अवनीश भैया ने बताया अभी कि जो यहाँ पर विगत दो तीन दिनों से हम देख रहे थे कि जो ये विसंगतियाँ फैलाई जा रही हैं कि अवनीश भाई के द्वारा 35-40 का ज्ञापन दिया गया, कहीं ना कहीं ये विरोधियों की चाल है। वे लोग चाहते हैं कि 30-33% 21 मई का शासनादेश न लागू हो पाए और इन्हीं लोगों को आपस में हम लोग टकराव कराते रहें और हम लोग अपने मनसूबों में कामयाब होते रहें। और तो इसलिए हम सभी 30-33 कटाव पर उत्तीर्ण साथियों से कहना चाहते हैं कि तुम जैसा चूतिया तो कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति ये कह देता है 35-40 के लिए फलाने ने ज्ञापन दिया, ढिकाने ने ज्ञापन दिया है, आप तुरंत विश्वास ये कर लेते हैं कि उन्होंने ज्ञापन दे आया। अरे आप लोगों के दम नहीं है क्या? क्या आप लोगों ने चूड़ी पहन ली है? आप लोग नामर्द ज्ञापन कोई जाता है देने तो तुम्हारी संख्या कम है, तुम जाके 30-33 का 10 ज्ञापन क्यों नहीं पकड़ा रहे हो? तुम्हें किसने रोका है 30-33 ज्ञापन देने से? वही क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो सीधे सीधे कहूँ, इससे पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 30-33 के लिए जो लोग काम करने वाले हैं, मेरी लीगल टीम छोड़ के मैं बता रहा हूँ, मेरे लीगल टीम में 30-33 के लिए मुनीश भाई है, विकास भाई है, नीतीश है, ये लोग 30-33 के दायरे में। मैं इस वजह से कभी नहीं बोलता हूँ ना बोल पाऊंगा, सीधी सीधी बात है, मैं मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ 30-33 के लिए अगर एक ज्ञापन 35-40 एक ज्ञापन जा रहा है तो 30-33 के लिए 10 ज्ञापन जाना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं आपको, 35-40 का गाथा गाने वाले हैं लोग को मैं आपको बता दूं, होता है, डेली होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ना देखा हूँ ज्ञापन देते हुए, शुरू में देखा हूँ, मुझसे बात भी की, मैंने सलाह भी दी है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने सलाह दी है, मैं उन लोगों से विनती भी किया था कि भैया आप लोग जो कर रहे हो चुपचाप करो, अगर ये बात बाहर आए तो अपनी टीम टूटेगी। अपनी टीम मीन्स उस समय अपने पास बहुत सीमित लोग थे, ये टीम लीगल टीम जो आज दिख रही है उस समय इनका पता भी नहीं था, कुछ लोग बहुत कम लोग थे, उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ कि एक जनरल वर्ग का विशेष नाम ले रहा हूँ, क्योंकि समस्याएं उनकी भी वाजिब है, उनकी वाजिब इस वजह से है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर 30-33 हो जाता समस्त इच्छा मित्र इसमें पास हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज भी वो टीम वर्क कर रही है, आप लोग कान खोल कर एक बार फिर से सुन लीजिए, 35-40 के लिए जनरल वर्ग का एक बड़ा वर्ग इस समय काम कर रहा है, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग सचेत हो जाइए, जो लोग 30-33 दायरे में है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जगह जगह जाकर अपना ज्ञापन दीजिए, सचिवालय में अगर एक ज्ञापन जाता तो आप 10 ज्ञापन पहुंचाइए। मैं जो करता हूँ मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, मैं साफ साफ कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए और मुझ में बिल्कुल भी विश्वास मत आप लोग करिए। सीधी सौ की सीधी एक बात मैं आपसे साफ साफ करूँ, मुझ पर विश्वास मत करिए, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, बाकी आगे की चीजें आप तो रह चुकी। साथियों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अवनीश भाई ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल निराधार, उन्होंने ऐसा गुस्से में बोला और लाजमी है कि वो गुस्से में बोलेगा, क्योंकि यदि व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है और आप लोग ब्लेम लगाओगे तो कोई भी इंसान
मतलब वो उसमें इन्वॉल्व ना हो और आप ब्लेम लगाओगे कतई स्वीकार नहीं करेगा। और रही बात लीगल टीम की, लीगल टीम आज से नहीं, आज से जब से मैं जुड़ा हूँ मैं इसका दावा करता हूँ कि 30-33 के लिए ही संघर्ष किया जा रहा है। और जितने लोग आरोप लगा रहे हैं उनके लिए मैं खुली चेतावनी दे दूं कि जिस दिन 35-40 के लिए ज्ञापन देना हम लोग शुरू किए उस दिन दब छुप के नहीं डंके की चोट पर के 35-40 के लिए ज्ञापन देंगे, देखते हैं कौन विरोध करेगा। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो 30-33 पीड़ित भी हैं, उनके नंबर 45 और 49 भी हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है, लीगल टीम आपसे निवेदन करती है कि प्लीज आपस में लड़ाने का काम मत करिए। हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो 30-33 के लिए कर रहे हैं। 24 तारीख के लिए 24 अक्टूबर को जो इलाहाबाद में महापंचायत का आयोजन किया गया है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिनका फोन हमारे पास आता है मैं उनसे कहता हूँ कि भैया हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग अब सचिवालय जाने लायक नहीं है, क्योंकि जब नहीं गए तब आरोप ऐसा लग रहा है ये चले जाएंगे तब तो बिल्कुल साबित कर देंगे। इसलिए हम 30-33 पीड़ित भाइयों से निवेदन करते हैं कि सभी भाई हम लोगों के संपर्क में आए और सचिवालय उनका डेलीगेशन जरूर जाए, क्योंकि यदि हम जाएंगे तो फिर ब्लेम लगेगा, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं। और जो 35-40 का ब्लेम लगाया जाए बिल्कुल निराधार है, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप चाहे जितने भी कोशिश कर लीजिए सच्चाई को छुपाने की, सच्चाई छुप नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल में आप चाहे जितना सेंट डाल लीजिए, चाहे जितना आरोप लगा लीजिए, लेकिन जो रियलिटी का फूल है गुलाब का वो खिल के रहेगा, अर्थात 30-33 जो अटल सत्य है वो होकर रहेगा। 35-40 का जब कहीं नाम ही नहीं है, ना तो 21 मई के शासनादेश में है, ना तो मूल विज्ञापन में है, तो 35-40 कहाँ से आएगा, पहली बात ये स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, जो पुनर्मूल्यांकन की बात की जा रही, पुनर्मूल्यांकन एक छलावा है, पुनर्मूल्यांकन के नाम पर केवल आप लोगों को बांटना चाह रही है, सरकार अपने मंसूबे में कामयाब होना चाह रही है। 24 अक्टूबर को जो धरना होगा, जो महापंचायत होगी, उसमें पुनर्मूल्यांकन को लेकर भी इसका विरोध किया जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन जब आपके शासनादेश में है नहीं तो आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अपने शासनादेश में संशोधन कैसे करेंगे, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और यदि आपको लगता है कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है महोदय, तो आप पुनर्मूल्यांकन करा रहे हैं, 41,556 का पुनर्मूल्यांकन कौन कराएगा, क्या गारंटी है कि उसमें उन लोगों को कटिंग पे नंबर नहीं मिले हैं। लिहाजा पुनर्मूल्यांकन हो तो सबका एक साथ हो, या निःशुल्क करा रहे हैं सबका हो, और यदि पुनर्मूल्यांकन कराना इतना ही जरूरी है तो परीक्षा दोबारा करवाइए महोदय, परीक्षा। पुनर्मूल्यांकन लीपापोती है, लीपापोती करना बंद कीजिए। सब लोग आपकी कूटनीतियों को समझ गए हैं, इसलिए सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि 24 अक्टूबर की महापंचायत इलाहाबाद की सरजमी पर सभी लोग शिरकत लाएं और सरकार की इस तानाशाहपूर्ण रवैये को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 30-33 कटाव से पीड़ित हर प्रशिक्षु घर से निकले तो 30-33 अटल सत्य जो है वो वाकई में होकर रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं, सभी लोग आए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, 30-33 लागू होकर रहेगा। धन्यवाद। 30-33 के लिए जो लोग काम करना चाहते हो बेफिक्र होकर घर से निकल कर आइए, आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आपके रहने का खाने का डेली आने जाने तक का मैं किराया खर्चा दूंगा। आप आके लखनऊ में रुकिए, काम करिए, हर तरह से मैं आपको व्यवस्था दूंगा, लेकिन ये इल्जाम लगाना लथोरी वाला काम करना बंद करिए। और खास करके फेसबुक के 3 नेताओं को मैं हिदायत दे रहा हूँ, हराम पंथी साले तुम लोग बंद कर दो, और ये दिमाग बहुत खराब है तुम लोगों पे, तोड़ने का काम कर रहे हो तुम, जो काम आज से 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था, तुम कुत्तों की वजह से आज तक रुका पड़ा है साले। बिल्कुल बंद करो ये अपना दोगला पंथी, जो कुछ नहीं कर रहा तुम लोग, बस खाली घर बैठ के साला फेसबुक पे नोटिंग की रंडी नाचते हो नीच कहीं के, और उन लोग कर दो ये सब। और उन लोगों को बताना चाहते हैं यदि ये संघ जो आप चुतिया पंथी कर रहे हैं इसको विराम नहीं दिया गया तो आप लोग सजग हो जाएं,
आप लोगों के जब इतने केस लड़ रहे हैं तो एक आपके भी नाम केस फाइल होगा, बिल्कुल फाइल होगा। धन्यवाद।